हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है और उसको कैसे देखना है। कई बार ये होता है कि हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते टाइम कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे कि रिज़ल्ट जो है ठीक नहीं आता, या फिर हम गलत जो हल्की सी पिंक लाइन आती है उसका मतलब पता नहीं होता और हम उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। तो आज इन्हीं बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, नेचुरल प्रेगनेंसी में, आईयू और आईवीएफ में। उसके बाद हम जानेंगे कि इसको करने का सही तरीका क्या है, और तीसरी हम ये जानेंगे कि इसको ठीक से हम देखें कैसे कि ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले जो टेस्ट का टाइम होता है नेचुरल प्रेगनेंसी में, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके एक हफ्ते के बाद आप इसे कर सकते हैं मॉर्निंग के फर्स्ट यूरिन सैंपल से। और अगर आपने IUI करवाया है तो उसके आप 15 दिन के बाद यानी कि 15th डे पर फर्स्ट सैंपल से कर सकते हैं मॉर्निंग में यूरिन के। और अगर आपने IVF करवाया है तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 15 दिन के बाद यानी कि 15th डे पर कर सकते हैं ये टेस्ट, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 15th डे पर मॉर्निंग के फर्स्ट यूरिन सैंपल से। तो अब हम बात करेंगे कि सैंपल लेते टाइम हमें किस बात का ध्यान रखना है। देखिए, सैंपल लेते टाइम हमें 5 से 6 ड्रॉप को छोड़ना है। स्टार्टिंग के 5 से 6 ड्रॉप जब आप यूरिन करने लगते हैं तो उस टाइम 5 से 6 ड्रॉप छोड़कर उसके बाद आप सैंपल लीजिए। उसके बाद आपको 3 से 5 ड्रॉप डालनी है अपने जो आपका UPT है यानी कि जो आपकी किट है उसमें, और उसके बाद उसको सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर देख लेना है। 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आपकी लाइन आ जाती है पिंक हल्की लाइन या डार्क लाइन तो वो पॉजिटिव होता है। अगर 5 मिनट के बाद वो लाइन आती है यानी कि 6 मिनट बाद, 7 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, तो फिर वो इवेपोरेशन लाइन है। वो कलरलेस होती है, कई बार हमें वो पर्पल शेड की भी दिख सकती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान ही ये है कि वो 5 मिनट के बाद दिखाई देती है। तो आपने यूरिन जब डाला है उसके 5 मिनट के अंदर यानी कि 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको अगर लाइन दिखती है, चाहे वो हल्की है या डार्क है, अगर हल्की सी पिंक है, अगर उसमें कलर है पिंक कलर का, तो फिर यानी कि वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर उसके बाद वो आ रही है 5 मिनट के बाद, तो फिर वो नेगेटिव या फिर इनवैलिड जो है देखी जा सकती है। तो फिर इसके लिए हम रिपीटेड टेस्ट करते हैं। अगर आपका हल्की सी पिंक लाइन है तो आप अगले दिन अगेन मॉर्निंग के फर्स्ट यूरिन से कर सकते हैं टेस्ट, और उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके जो है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।